पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। प्रणाम मुनिवर। देवगढ़ के राजा महाराज सूर्य प्रताप सिंह का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। आप हमारे देवगढ़ आए ये सौभाग्य है हमारा। पूरे आदर सत्कार से आपकी सेवा होगी, परंतु एक विनती है, अगले 3 दिन तक आप महल में प्रवेश ना करें। आज्ञा। राजकुमारी तारा प्रिया सही कहती थी आपके बारे में, आप एक अहंकारी राजा हैं। हम ना आपका आदेश सुनेंगे, न विनती न चेतावनी। हमारे जैसे साधु संत तपस्वी सिर्फ उसे अपना राजा मानते हैं और उसी की इच्छा का अनुसरण करते हैं। आप हमें रोक नहीं सकते। हमारे अगले आदेश तक ये अग्नि बाण बुझने नहीं चाहिए। अब ध्रुव और डोली का रोका स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। देखो, तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे इस इल्लीगल शादी से बचाकर मेरी सदी मेरे घर भेज दोगे। झूठ बोला था ना तुमने? डोली, पिंकी प्रॉमिस मेरा बहुत सच्चा वाला था, ठीक है? तुमने तारा पे ट्रस्ट रखो ना। बोलो बोलो रैया। हुरु रैया। ए ये काई षड्यंत्र चल रहा है आपस में? कहीं तुम दोनों भागने का प्रयास तो नहीं कर रहे? अगर भागने का प्रयास किया तो ऐसा दंड मिलेगा। भागना तो कई, भागने के बारे में सोच भी को नहीं सकोगे। रुकिए, डंडा मत मार, ठीक है? बहुत बहुत दर्द होता है। अब चलो चलो चलो। बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है। भाग्य है ये आपका, स्वीकार कर लीजिए। ओ राजा बाबू, ऐसा है, आप भाग्य तय करने वाले कोई ना होते, आई समझ? घमंड कितना भी मजबूत हो, एक ना एक दिन टूट ही जाता है और आपका भी टूटेगा। ये बिजली के मन का विश्वास है। मन का विश्वास जब आधारहीन हो जाए तो मूर्खता कहलाता है रानी सा। रोका तो आज होके रहेगा। ये पत्थर की लकीर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। और प्रसन्नता होगी आपको जान के, आपके महर्षि चंदन मुनि वो महल नहीं आ सकेंगे। आप भूल गई, राजा हैं हम। दूर जब एक पत्ता भी हिलता है तो हमें पता चलता है। और हमारी रानी सा हमारे ही महल से चोरों की तरह छुपते छुपाते चंदन मुनि से मिलके षड्यंत्र रचेंगी और हमें ज्ञात नहीं होगा। पंडित जी को बुलाया जाए, रोके की रस्म का शुभारंभ हो। हाँ हाँ, तुमने तो पिंकी प्रॉमिस किया था, उसका क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ,
चंदन जैसी खुशबू कट्ठे से आ रही है? चंदन की खुशबू ना है, ये महान तपस्वी मुनिवर श्री चंदन जी के आने की घोषणा है। असंभव, ये नहीं हो सकता। हुर हैया। महाराज मुनिवर चंदन जी, स्वागत है आपका। सबको हमारा शुभाशीष। मुनिवर महाराज की, मुनिवर महाराज की। मुनिवर आप यहाँ? हम तो बहती पवन से स्वतंत्र हैं, हमें कहीं आने जाने से कोई चाहकर भी रोक नहीं सकता। महाराज, यही है वो बेचारी बच्ची जिसका जबरदस्ती ब्याह करवाया जा रहा है, आप ही बताइए क्या ये पापड़ा है? महाराज मुनिवर चंदन जी, आपकी वाणी और आपका निर्णय सुनना चाहते हैं हम। जो आपके शब्द होंगे वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। ये मिलन भाग्य है, नियति है। अगर ये नहीं हुआ तो अनिष्ट होगा, अनर्थ होगा। आप इस अन्याय को नियति कह रहे हैं? सावधान, आपकी हिम्मत कैसे हुई इतने ज्ञानी से ऐसा सवाल करने की? इसी क्षण क्षमा याचना कीजिए। किंतु बाबू शांति जी, देखो ऐसा है कि तारा ना बदतमीजी नहीं करती है, क्योंकि सवाल का जवाब तो वही लोग देते ना जिनके पास सवाल का जवाब नहीं होता। बापा जी आप बताओ, किसी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए ना? ये बच्ची अभी 18 साल की भी नहीं हुई है। जिनकी बुद्धि छोटी हो, महात्माओं के सामने उन्हें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। नियति के सामने हम कुछ नहीं हैं। नियति में ध्रुव ढोली का मिलना लिखा है, और इसी नियति ने सूर्य प्रताप और रानी सा का मिलना भी लिखा है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।